हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने चली हूँ सैंडविच। मैं दो तरीके से बनाऊँगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। स्टार्ट करते हैं, देख लेते क्या क्या जरूरत है। तो यहाँ पे हमने आधा शिमला मिर्च लिए है, मतलब अपनी क्वांटिटी के अनुसार, पूरा नहीं लिया। बीज को अच्छे से निकाल के धुल के रख लिए हैं। एक टमाटर ले लिया है मैंने, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, आधा खीरा लिया है क्योंकि इन्हें तो क्वांटिटी में खीरा ज़्यादा जाता है। उसके बाद हरी मिर्च एक ली है, कुछ गोल मिर्च के दाने ले लिए हैं क्योंकि इससे गोल मिर्च को कूट के डालने पर उसका स्वाद और ही टेस्टी आता है। ये मेयोनीज लिए हैं मैंने, और यहाँ पर मैंने बटर लिया सेकने के लिए, और नमक स्वाद अनुसार। और उसके बाद कुछ ब्रेड्स के स्लाइस ले लेंगे। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को, जो शिमला मिर्च वगैरह हैं, आप चाहे तो कट करके रख बारीक कट कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पे मैं चॉप करूँगी, बिकॉज चॉप करने से इसका और भी मतलब टेस्ट अच्छा आता है। क्योंकि जैसे बच्चों को जब खिलाना हो इस तरीके की सैंडविच वेजिटेबल वाली, तो बच्चे कई बार उसमें जो वेजिटेबल्स दिखाई देते या आते वो पसंद नहीं करते, तो चॉप करने पे वो एकदम पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, वो समझ में नहीं आता और वो चुपचाप आराम से खा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं इन चीज़ों को चॉप करूँगी। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया चॉपर में, आप चाहे तो चॉप कर सकते हो और चाहे बारीक भी काट करके डाल सकते हो। इसमें यहाँ पे हमने पूरा निकाल लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक ऊपर से, नमक स्वाद अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो आपने भी, मैंने वैसे तो हाफ स्पून ऐड किया है। मैंने इसको गोल मिर्च को कूट के रख लिया है। तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ना कि जनरली हम सैंडविच बना जाए तो उसमें हम सब्जी मसाला डालें तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर गोल मिर्च जो होता है हर जगह हम ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसी मसाले, कुछ ऐसी चीज़ें इसको हम हर जगह ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे गोल मिर्च भी हैं इसमें, बाकी हमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है। अब इसमें जो मैंने ये मेन्यूज लिए हैं, इसे मैं इसमें वन एंड हाफ टेबल स्पून है, इस तरीके से मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं इसमें इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्टफिंग तैयार होगी। अब इसको हम बताया कि मैंने यहाँ पे इसको हम दो तरह, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसके जो किनारे हैं इस तरीके से हम सारे किनारों को काट लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से इसके किनारों को काट लिए हैं। और इसकी जो ये यहाँ पर लिया है बटर, तो इस तरीके से मैं स्पून की सहायता से यहाँ पे पहले ब्रेड के ऊपर बटर लगा दूँगी हल्का हल्का। तो इसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड में लगा लेंगे बटर। तो यहाँ पे मेरे दोनों ब्रेडों में बटर लग चुका है, इसमें मैं इसको अच्छे से इस तरीके से फैला के रख दूँगी। स्टफिंग को डाल देंगे ब्रेड के ऊपर अच्छे से, इसको दबा दें अच्छे से। अब इसको हम बीच से इस तरीके से काट देंगे। तो इस तरीके से बन गया, अब इसी तरीके हम दूसरा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा ब्रेड ले रही हूँ जिससे मुझे इसको मुझे सेक के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस ब्रेड में भी लगा लेंगे, बटर लगा लिए हैं। और इस तरीके से हम दूसरे ब्रेड में बटर लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बटर लग चुका, अब इसमें हम स्टफिंग भर देंगे दोनों ब्रेडों को। फिर उसके बाद हम इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। ये मेरा बन के तैयार हो गया है, दोनों इस तरीके से बन गया है। अब इसे हम नॉन स्टिक पैन तवे पे इसे हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। और आप चाहे तो टोस्टर में भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पे दिखा रही हूँ, बिकॉज सभी के घरों में टोस्टर नहीं होता है, तो वो कैसे उनकी इच्छा हो खाने की और टोस्टर के चक्कर में ना खा पाए, तो मैं उन्हें तवे पे ही दिखा देती हूँ कि कैसे तवे पे भी बना सकते हैं जिससे वो आसानी से सिखा सकें। तो आइए हम इसे सीख लेते हैं। पे मैंने फ्लेम ऑन करके तवा चढ़ा दिया नॉन स्टिक स्पून की सहायता से, इस तरीके से तवा में सैंडविच को इस तरीके से दोनों में से रख लेंगे। और इसको हम दोनों साइड से सेक लेंगे अच्छे से। दो में अच्छे से बटर लगा दिया है,
अब इसे हमें दोनों साइड से पलट लेना। तो मैं छोटी की साइड पर एक साइड ही थोड़ा हल्का सीख गया है, ज़्यादा नहीं सीखना है। तरीके से हम दूसरा वाला भी अच्छे से पलट लें, तो साइड से अच्छे से इसको सेक लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, नहीं तो ये जल जाएगा। तो हम तो देख लिया हमने, ये हमारा दोनों साइड से सेक गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे बनके तैयार हो गया, ये रेडी टू सर्व है। मैंने इसे दोनों तरीके से बनाया है, इस तरीके से भी जिसे सीखा नहीं है इस तरीके से भी, और इसे सीख के दोनों तरीके से बनाएं। दोनों तरीके से ही बहुत टेस्टी लगता है, तो इस तरीके से आप बनाएं, खाएं और खिलाएं। और अपने विचार हमारे साथ कमेंट के जरिए ज़रूर शेयर करें। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी सैंडविच, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।